तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ईएलसीबी और एमसीबी में फ़र्क क्या होता है। तो हमको एमसीबी भी मालूम है और ईएलसीबी भी मालूम है, पर उसको एप्लीकेशन कहाँ होता है तो मैं आपको बता दूं कि और वो किस प्रकार से वर्क करता है वो भी बता दूं। एमसीबी माने आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ईएलसीबी माने आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी का क्या वर्क होता है? तो एमसीबी में वो फॉल्ट कंडीशन में एमसीबी वर्क होता है एज अ स्विच। तो फॉल्ट कंडीशन कब आता है जब एमसीबी के ऊपर? जब समझो आपने समझो ये आपका सर्किट है इस प्रकार का, और आपने यहाँ पर एक ये लगाया एमसीबी बोल के, और आप यहाँ पर एक लोड लगाया, ये आपका एमसीबी है, ये आपका एसी सप्लाई है, ये आपका लोड है। समझो ये एमसीबी किस प्रकार से वर्क होता है तो देखो। तो जब समझो ये लोड है तो एमसीबी मतलब कुछ ऑन ऑफ का कुछ कंडीशन मतलब ऑन रहेगा, मतलब कोई फॉल्ट ये यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करेगा। समझो तुमने गलती से ये दोनों वाइंडिंग ऐसे मतलब ये दोनों कनेक्शन ऐसे शॉर्ट कर दिया, तो क्या होगा? इस एमसीबी में से हाई करंट पास होगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा, तभी क्या होगा? करंट का रेटिंग कम रहता है, इसलिए समझो इसका करंट का रेटिंग है 6 एम्पियर, तभी यहाँ पर 6 एम्पियर से ज़्यादा समझ 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है जब जो अपने शॉर्ट सर्किट किया, तभी आपका एमसीबी वर्क होगा एज ए फॉल्ट कंडीशन में, तभी आपका एमसीबी ट्रिप होगा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये 6 एम्पियर के लिए बना है पर 10 एम्पियर नहीं ले सकता है, फिर तभी ये क्या ट्रिप हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो कब ऑफ हो जाता है? तो जब यहाँ पर आप शॉर्ट जैसे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर स्पार्क होता है इसके अंदर एमसीबी के अंदर, हाँ, तो वो जैसे स्पार्क हो गया तो वो स्विच के स्विच जैसा काम करेगा, यहाँ पर अंदर फॉल्ट होता है जब इसके अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो जब वो स्पार्क होगा तो वो एकदम से ट्रिप होगा, मतलब सर्किट एक क्लोज कर देगा, ये ऑटोमेटिक रहता है। और आपको समझो आप फिर आप गलती की यहाँ पर ऐसे शॉर्ट की, फिर आप निकालेंगे, हाँ ये निकाल देंगे, फिर आप इसको ऑन करने के लिए इसको एक बटन रहता है वो स्विच ऑन कर देंगे तो एज अ स्विच के टाइप बन जाएगा ये। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में आपको यहाँ पर ई दिख रहा है, ये माने आपका अर्थ है, तो यहाँ पर क्या है अर्थ लीकेज, जब आपका लीकेज करंट रहता है, हाँ या फॉल्ट करंट रहता है तो उसको सडनली अर्थ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका सर्किट आपका ये रह जाएगा सेफ्टी रह जाएगा। मैं आपको एक ये बता दूं कि उसका एक एग्जांपल बोल देता हूँ, तो इस प्रकार से आपका सर्किट होगा। तो इसमें एक ऐसा वर्क करता है ईएलसीबी, तो देखिए समझो आपने ऐसा सर्किट लगाया, तो
तो ये सर्किट कहाँ पर लगाते हैं? तो देखो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या कोई जनरेटिंग स्टेशन में, तभी आपका कनेक्शन बाहर किया जाता है। हाँ, वो आउटडोर रहता है, तभी वहाँ पर सब कनेक्शन खुले में रहते हैं, तभी आपका कभी ये गिरता है। हाँ, लाइटिंग अरेस्टर नहीं, कैसे बिजली बिजली गिर जाती है, तभी क्या होता है कि इसके अंदर से, इसके ऊपर बिजली गिर गया तो इसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होगा। हाँ, आपके तार रहेंगे तो आपके, आप जो घर में कनेक्शन लेते तो वो तार आप खुले में रहते, तो उसमें अगर बिजली गिर गया तो हाई करंट उसके अंदर से पास होगा, तो तभी जहाँ पर आप बिजली गिर गई तो उसमें से हाई करंट पास होगा। तो अगर इसको आपने ग्राउंड नहीं किया तो कोई भी यहाँ पर समझो हाथ लगाया या हाथ लग गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो तभी यहाँ पर ईएलसीबी लगाया रहता है, अर्थ लीकेज, तो यहाँ पर जो करंट टायर था फॉल्ट करंट, तो उसको सडनली अर्थ किया जाता है, तो उससे क्या होता है सब आपका डिवाइस सेव या कोई ये नहीं हो जाता, मतलब फॉल्ट नहीं हो जाता, तो सेफ में रह जाते, तो उसका हाई करंट को क्या करता है, ग्राउंड किया जाता है। इस प्रकार से ईएलसीबी यूज किया जाता है, तो इन दोनों में इतना ही फर्क था। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो, और आप सब्सक्राइब करने से आपको अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको वीडियो मिलते जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।